Hi there, Assalamu Alaikum. You are watching the Strabismology Hub and this is Syagram. In this first video, I am going to tell you about the basic terminologies of strabismus. So, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि strabismus क्या होता है, ठीक है? तो किसी भी किस्म की कोई भी deviation या कोई भी आंखों में movement, कोई भी किसी किस्म का भी टेढ़ापन जो कि abnormal हो उसको हम स्ट्रैबिस्मस कहते हैं. स्ट्रैबिस्मस को हम स्क्विंट भी कहते हैं. स्क्विंट के आगे से दो टाइप्स होती हैं, या तो स्क्विंट अल्टरनेट हो सकता है या फिर यूनिलैटरल हो सकता है. यूनिलैटरल वो होता है जो बाउंस बैक करके आता है और जो अल्टरनेट होता है वो वहीं रहता है. इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लें. और जो स्क्विंट होता है, स्क्विंट कैन नेवर बी बायलेटरल. इफ समवन इज सेइंग दैट द पर्सन और द पेशेंट हैज बायलेटरल स्क्विंट, देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, कंसीडर्ड एज रॉन्ग. ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास नॉर्मल आईज है. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल दो आंखें हैं जिनका प्यूपल यू प्राइमरी गेज में ऐसे होता है. ठीक है, अगर तो किसी भी किस्म की कोई भी डेविएशन होगी, लाइक अगर तो ये नॉर्मल की बजाय अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो ये देखें, इसके अंदर एक आंख नॉर्मल है और दूसरी आंख थोड़ी सी अंदर की तरफ गई हुई है. अंदर की तरफ यानी नेजल साइड पे, ठीक है, नोज की तरफ. और दूसरी ये होता है इजोट्रोपिया. देन उसके बाद दूसरी आंख, ये इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि जो दूसरी आंख है, एक आंख है वो नॉर्मल है और जबकि दूसरी आंख है वो कान की तरफ है, बाहर की तरफ डेविएट की गई हुई है. तो ये होता है एक्सो, ये है एक्सो डेविएशन. देन समटाइम्स क्या होता है, स्क्विंट कैन बी हाइपर एंड हाइपो एज वेल. हाइपर में क्या होगा कि नॉर्मल की बजाय आंख जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, डेविएट की गई होगी, और जो हाइपो है उसके अंदर आंख जो है वो नीचे की तरफ डेविएट की हुई है. देन नेक्स्ट वी हैव द टू टर्म्स व्हिच इज फोरिया एंड ट्रोपिया. सो एनी काइंड ऑफ हिडन स्क्विंट इज कॉल्ड फोरिया, जो हमें नजर नहीं आ रहा, देखने में लाइक ये आंखें नॉर्मल लग रही है, ये है फोरिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें स्क्विंट छुपा हुआ है, तो दैट इज फोरिया. लेकिन अगर हम देख रहे हैं, आईज को देख रहे हैं और वो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई एबनॉर्मल किस्म की डेविएशन है, जैसे ये वाली है, तो ये इस आंख को हम देखते हैं कि इस आंख को हम देख रहे हैं कि ये एक आंख जो है अंदर की तरफ डेविएट की हुई है, तो दैट मीन्स कि ये ट्रोपिया है. सो ट्रोपिया लिटरली मीन्स मैनिफेस्ट, जो हमें नजर आए. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक और टर्म यूज होती है विच इज अकोमोडेटिव एंड नॉन अकोमोडेटिव स्क्विंट. अकोमोडेटिव स्क्विंट क्या होता है, any kind of squint which is connected with glasses is called accommodative squint, and non-accommodative squint is which is not connected with glasses. Like अगर आपने एक patient है जिसको deviations थी, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी squint था, उसको आपने glasses recommend की, ठीक है, आपने उसको glasses दी लगाने के लिए, उसने लगाई और glasses लगा के उसने आपने दोबारा देखा तो उसकी deviation नहीं हो रही, that means कि उसको accommodative isotropia या exotropia accommodative squint था. ठीक है, लेकिन अगर उसके glasses लगाने के बाद भी उसकी deviation ठीक नहीं हो रही है, तो that means कि उसको non-accommodative squint था. Now let me tell you about some nomenclatures used in strabismus. So if we have alternate exotropia, like alternate yani dono aankhon mein aur unilateral yani ek hi aankh mein, theek hai, so agar hum koi patient hai uski dono aankhe bahar ki taraf move kar rahi hai, theek hai, ye wali condition exotropia, to phir hum usko aise likhenge AXT, alternate exotropia. लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको अल्टरनेट इजोट्रोपिया है, लाइक दोनों आंखें उसकी अंदर की तरफ नेजल साइड पे मूव की हुई हैं, तो फिर हम लिखेंगे AET यानी अल्टरनेट इजोट्रोपिया. अगर खाली इजोट्रोपिया है, लाइक एक आंख है, यूनिलेटरल है, तो फिर हम खाली लिखेंगे ET. ठीक है, अगर एक ही आंख अंदर की तरफ मूव की हुई है तो हम लिखेंगे ET, इजोट्रोपिया. सो इसके साथ हम मेंशन करेंगे कि या तो लेफ्ट इजोट्रोपिया है, लेफ्ट इजोट्रोपिया है तो LET, राइट इजोट्रोपिया है तो RET. ठीक है, देन सिमिलरली फॉर द एक्सोट्रोपिया, अगर यूनिलेटरल एक्सोट्रोपिया है तो फिर हम ये एक्सोट्रोपिया, यानी कोई भी एक आंख बाहर की तरफ मूव की हुई है, तो हम लिखेंगे XT. तो आगे से हम लेफ्ट या राइट को ऐसे मेंशन करेंगे, LXT एंड RXT. ठीक है,
इसी तरह हमारा फोरिया भी आ जाता है, ईजोफोरिया, ईपी स्टैंड फॉर ईजोफोरिया एंड एक्सपी स्टैंड फॉर एक्सोफोरिया। अच्छा अब स्क्विंट के लिए जो हमने टेस्ट यूज करने होते हैं वो कौन कौन से, देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारे पास मेन कवर टेस्ट, सेकेंड हमारे पास होता है अनकवर टेस्ट, और लास्टली हमारे पास होता है अल्टरनेट कवर टेस्ट। इन तीनों की सेपरेट वीडियोस मैं बना के अपलोड करूंगी, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के साथ ये किस तरह मतलब हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द स्ट्रैबिस्मोलॉजी हब।